Morning everyone, I am Soni Priya, student of Impact Paramedical Health Institute from Optometry Department. Friends, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लाइंडनेस क्या होती है, इनके क्या डिफिनीशन है। सभी कंट्री में ब्लाइंडनेस की अलग अलग डिफिनीशन है, हमारे इंडिया में भी ब्लाइंडनेस को कुछ अलग तरह से डिफाइन किया गया है। तो अब हम बात करते हैं WHO के अनुसार कि WHO ने ब्लाइंडनेस को किस तरह से डिफाइन किया। उन्होंने 1966 में ब्लाइंडनेस को ऐसा बताया, उन्होंने बताया कि ब्लाइंडनेस वो होती है जिसमें पेशेंट का जो विजन होता है, इनएबिलिटी टू परसेप्शन ऑफ लाइट, अगर वो लाइट को भी परसीव नहीं कर सकता है तो वैसे पर्सन को हम ब्लाइंड बोलेंगे। इन 1977 में WHO ने बताया कि ब्लाइंडनेस वो होती है जिसमें पेशेंट का विजन 3/60 से भी कम हो अकॉर्डिंग टू स्नेलन चार्ट, तो वैसे पेशेंट को हम ब्लाइंड बोलेंगे। इन 1979 में WHO ने अपने डिफिनेशन में कुछ और ऐड किया, उन्होंने बताया कि ब्लाइंडनेस वो होती है अगर कोई पेशेंट डे लाइट में भी अपना फिंगर काउंटिंग नहीं कर सकता है और उसका जो विजन है 3/60 से भी कम हो और उसका विजुअल फील्ड भी 10 डिग्री से कम हो, तो वैसे पेशेंट को हम ब्लाइंड बोल सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू एनपीसीबी इंडिया में होती है, जो इसमें ब्लाइंडनेस को कुछ अलग तरह से डिफाइन किया गया। एनपीसीबी के अनुसार ब्लाइंडनेस वो होती है अगर कोई पेशेंट का विजन 6/60 से भी कम हो, 6 मीटर से भी उसे 6/60 नहीं दिखता हो और उसका विजुअल फील्ड 20 डिग्री से भी कम हो, तो वैसे पेशेंट को हम ब्लाइंड बोलेंगे। अब हम बात करते हैं ब्लाइंडनेस की, क्या क्या ब्लाइंडनेस के चार टर्म होते हैं। पहला जो टर्म होता है इकोनॉमिक ब्लाइंडनेस। इकोनॉमिक ब्लाइंडनेस डिफाइन इज विजन इन बेटर आइज लेस देन 6/60 टू 3/60। सेकेंड इज सोशल ब्लाइंडनेस। सोशल ब्लाइंडनेस इज डिफाइन इज विजन इन बेटर आई 3/60 टू 1/60। एंड थर्ड इज लीगल ब्लाइंडनेस। लीगल ब्लाइंडनेस इज डिफाइन एज विजन इन बेटर आई 1/60 टू परसेप्शन ऑफ लाइट। एंड फोर्थ इज टोटल ब्लाइंडनेस। टोटल ब्लाइंडनेस डिफाइन एज द नो परसेप्शन ऑफ लाइट, इट मीन्स पेशेंट का जो विजन होता है उसमें कोई लाइट भी परसीव नहीं कर सकता, उसको हम टोटल ब्लाइंडनेस बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि ब्लाइंडनेस की क्या क्या कॉजेज हैं। तो कॉमन कॉजेज की बात करते हैं जिससे इंसान ब्लाइंड हो जाता है। तो सबसे पहला कॉज है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट एक ऐसी बीमारी है जिससे इंसान को ये ब्लाइंड कर देता है। ज्यादातर हमारे इंडिया में कोई ब्लाइंड होता है तो वो कैटरेक्ट की वजह से होता है, जो टाइम पे ठीक नहीं किया जाता है। सेकेंड कॉजेस है ग्लूकोमा। थर्ड कॉजेस है कॉर्नियल स्कारिंग। फोर्थ है चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस। फिफ्थ है डायबिटिक रेटिनोपैथी। थैंक यू।